हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी चना। उसके लिए मैंने लिया है एक छोटा लौकी जिसे बारीक काट लिया है, और एक कप चना जिसे मैंने चना दाल जिसे मैंने उबाल लिया है। इसमें ना मैंने अभी नमक डाला है ना हल्दी डाला है, बस उबाल लिया है। दाल में मैंने मसाले के लिए लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और इधर छौंकने के लिए मैंने लिया है जीरा, एक सूखी लाल मिर्च, और हम दाल में डालेंगे आधा टीस्पून चीनी, नमक स्वाद अनुसार और अमचूर पाउडर। चलिए अब हम बनाते हैं। मम्मी कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें लेंगे 2 टेबलस्पून तेल, 1 अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च। मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन मैं डाल रही हूँ चुटकी भर हींग और 8-10 कड़ी पत्ती। सारी चीजें मैं डाल के लौकी डालूंगी। लौकी को हम 2 मिनट भूनेंगे। गैस कम करके इसे ढक दें। देखिए कद्दू कैसा मुलायम हो गया है। इसे 2 मिनट चलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढक दिया था। और इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच डाला है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार। दाल में नमक नहीं डाला है इसलिए दाल और हमने 1 मिनट भुना और जो दाल हमने उबाल के रखी थी उसे हम डाल देंगे पानी के साथ। इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा कद्दू अच्छे से पक जाए और दाल तो हमारी पकी हुई है ही, दोनों एक साथ हो जाए। देखिए 10 मिनट हो गया है, अब हमारा दाल कहिए या सब्जी दोनों तैयार है।
दाल भी पकी हुई है और सब्जी भी तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए हमारा लौकी चना तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।